महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और कई ट्वीट यहां पर किए गए हैं, जहां पर उन्होंने लिखा है कि अजीत पवार का एनसीपी छोड़ बीजेपी का पल्ला पकड़ने का कारण समझे। वही अमित शाह मोदी के सबसे ताकतवर हथियार ईडी सीबीआई आईटी बीजेपी पारस पत्थर, जिसे छूने से भ्रष्ट भी ईमानदार हो जाता है। वही दूसरे ट्वीट की बात करें तो जहां पर कहा गया है कि महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर मोहन भागवत जी की कोई टिप्पणी अब तक नहीं आई, देश उनसे जानना चाहता है कि जिन अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस ने जेल भेजने का जनता से वादा किया था, अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये अनैतिक नहीं है? क्या इसी रास्ते से संघ राष्ट्र निर्माण करना चाहता है? एक के बाद एक ट्वीट किए गए हैं, वो हम आपको बतला रहे हैं। तीसरा ट्वीट यहां पर किया गया है, जहां पर कहा गया है कि एनसीपी के 54 में से 43 विधायक शरद पवार जी के साथ है, अजीत पवार अकेले रह जाएंगे, शरद पवार के उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई, बधाई सुप्रिया।